दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल एक दिवसीय बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बागुल में आयोजित श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में विजय बघेल, सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, नगर पंचायत सदस्य बिंदिया मीरे सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का आयोजन कर्ता दीपचंद साहू सहित ग्रामवासियों ने पुष्प गुच्छ और मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। वहीं दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने कहा कि इस गांव में भक्तिमय वातावरण बड़े ही सुंदर है। 5 वर्ष पूर्व में रामजी महाराज दिवाकर के द्वारा नवागढ़ क्षेत्र जो विकास की ओर बह रहा है वह पहले पिछड़ा था। भाजपा के शासनकाल में इतनी उन्नति की जिसमें दयाल दास और हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सब मिलकर इसको उपजाऊ बनाया है और यहाँ भाईचारा इतना स्थापित हुआ था कि जिसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है जिसके लिए यज्ञ की ज़रूरत है, ताकि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि सरकार है उसको भी इसमें सुध लेनी चाहिए, उन्हें ऐसे धार्मिक आयोजन करने चाहिए। पवित्र स्थल बन गया है और देख रहे हैं पूरे गांव के भीड़ भड़ा यहाँ पे वातावरण है और भक्तिमय वातावरण है। नवागढ़ क्षेत्र का ये बागुल गांव, जहाँ पे हमारे आदरणीय दयाल दास भैया पूर्व में मंत्री रहे के विधायक रहे, और 5 साल पहले राम यज्ञ की शुरुआत श्रद्धेय दिवाकर महाराज जी के सानिध्य में शुरू हुआ, जिनके सानिध्य में यज्ञ भी होता है और प्रवचन भी होता है, और वो अपने शिष्यों के साथ यहाँ आते हैं और पूरे गांव भर के लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धामयी भाव लेकर इस यज्ञ में शामिल भी होते हैं और अपने परिवार के साथ साथ क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि हो और हमारा छत्तीसगढ़ और उत्तरोत्तर बढ़े उसके लिए कामना भी करते हैं। नवागढ़ क्षेत्र जो कहूँ के जो विकास की ओर बह रहा है, जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा था पहले, वो हमारे भाजपा के शासनकाल में इतनी उन्नति की है, जिसमें दयाल दास जी का, वर्तमान के हमारे जो जिला पंचायत के सब सदस्य हैं बिंदिया मीरे जी हैं और हमारे जनपद सदस्य पंचायत के साथी सबने मिलकर इसको ऊंचा उठाया और यहाँ भाईचारे का ऐसा स्थापित हुआ था जिसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसके लिए ऐसे यज्ञों की ज़रूरत है, ताकि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उसको भी इसमें सुध लेनी चाहिए और वातावरण जो शुद्धिमय था उसमें जो गंदगी फैल गई है उसको ऐसे ही धार्मिक आयोजनों से शुद्ध करना चाहिए।